कल हम लोग अकाउंट से संबंधित कक्षा 11 कक्षा 12 कॉमर्स लेखा शास्त्र में चालू किए थे, जो दूसरा अध्याय चालू करके ख्याति, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 12 बनाए थे। तो मैं आप लोगों को कल होमवर्क भी दिया था फर्स्ट क्लास में कि क्वेश्चन नंबर पहला जैसा मैं बताया हूँ उसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा और चौथा आप लोग बनाएंगे। पांचवा क्वेश्चन बोला था मैं क्लियर कराऊंगा, और ये भी बोला था कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में कुछ डाउट भी निकलेगा उसको मैं क्लियर करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं थोड़ा सा क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा समायोजन दिया। ठीक, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। बोलता है एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर 10% कम कर दिया जाता। देखो यही एक क्वेश्चन में समायोजन दिया है कि 10% कम करना। तो आप लोग सबसे पहले औसत लाभ विधि से बनाए होंगे, तो औसत लाभ विधि में सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला पुट अप करोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहा हूं उसमें आप लोग सबसे पहले औसत लाभ निकाले होंगे। तो औसत लाभ का आप लोग फॉर्मूला पुट अप करेंगे। क्या फॉर्मूला पुट अप करेंगे? तो कल मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि औसत लाभ का फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है, कुल वर्षों का लाभ माइनस हानि बटे लाभ हानि वर्षों की संख्या। ये बताया था आप लोगों को। तो इसमें देखिए आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देखिए, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग देखिए, प्रथम वर्ष में लाभ दिया है 3000, सेकंड वर्ष में 3300 फिर लाभ दिया है, तीसरे वर्ष में 3700 फिर लाभ दिया है, चौथे वर्ष में हानि दिया। तो चलिए हम लाभ को पहले लिख लेते हैं। तो जितने भी लाभ है तो लाभ को अगर आप लोग अलग से जोड़ते हो, मैं क्योंकि रफ में जोड़ रहा हूँ आप लोग पूरा लिख के बनाइए। तो अगर आप लाभ को जोड़ते हो तो लाभ दिया है 3000 प्लस 3300 प्लस 3400 सॉरी 3700 और 5400। इसको सबको आप लोग अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा क्या, 15400 आपका कुल लाभ होगा जिसमें आपकी हानि होगी 3400, और लाभ हानि वर्ष की संख्या तो 5 दिया है, 1 2 3 4 का लाभ और एक हानि तो 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12000। अब नीचे 5 इसको भाग दे देंगे तो कटेगा 5 × 10, 5 × 10 तो कितना हो गया 2400। कटेंगे 5 × 10, 2 आया 20 हो गया, 5 × 20 = 200 आपका निकल गया औसत लाभ। अब ख्याति पुट अप करेंगे, तो ख्याति का फॉर्मूला औसत लाभ में आप लोगों को बताया था, मैं क्या बताया था, औसत लाभ गुणा क्रय वर्ष। तो औसत लाभ आप निकाले हैं 2400, और क्रय वर्ष देखो आपके क्वेश्चन में दिया है 3 वर्षों के क्रय के बराबर, तो 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 3 × 9 = 3 × 9 = 4 × 12 = 2 × 8 × 6 = 8 ये आपका ख्याति निकल गया, किंतु समायोजन बोला है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या 10% कम, बोला ना 10% कम करना है, तो क्या करेंगे 10% कम, तो 7200 का 10% निकालेंगे तो 720 आएगा, इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 10 में से 2 हो गया 8, एक उधारी दे दिए 11 में 7 देता 8 × 10 दिया, तो 6480 ये आपका। आप लोग अभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कराता हूँ, बाकी आप लोग आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए बोलता है, एक फर्म की ख्याति विगत 3 वर्षों के लाभ के औसत के दुगने के बराबर की जाती है। विगत 3 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, प्रथम वर्ष का लाभ 10,000, द्वितीय वर्ष का लाभ प्रथम वर्ष के लाभ का 2 गुना और तृतीय वर्ष का लाभ द्वितीय वर्ष के लाभ का 1.5 गुना बोलता है। ख्याति की राशि याद करिए, तो चलिए पहले लाभ निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 लाभ बोलता है, तो फर्स्ट लाभ प्रथम वर्ष का लाभ लिखिए, प्रथम वर्ष का लाभ, क्लियर। प्रथम वर्ष का लाभ कितना बोलता है, 10,000। द्वितीय वर्ष का लाभ, द्वितीय वर्ष का लाभ क्या बोलता है, प्रथम वर्ष के लाभ का 2 गुना। प्रथम वर्ष का लाभ कितना है, 10,000, इसका 2 गुना, 200 गुना कर दो, 10×20,000। उसके बाद होता है तृतीय वर्ष का, तृतीय वर्ष का लाभ, तो तृतीय वर्ष का लाभ क्या बोलता है, दूसरे वर्ष के लाभ का कितना गुना, 1.5 गुना, मतलब 1.5, ठीक। 15×20 मतलब कितना हो जाएगा, 30,000 हो गया। अब तीनों वर्ष का लाभ मिल गया, औसत लाभ निकालोगे, 1, 2, 3 तीनों को जोड़ देना, 3 से भाग दे देना, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दोगे तो औसत लाभ कितना हो जाएगा, उसको टोटल करोगे तो 60, 60 में से 3 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 20,000 औसत लाभ आ गया। अब ख्याति के फॉर्मूले में पुट करोगे, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय व्यय, तो आपका औसत लाभ निकला 20,000 और क्रय व्यय आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्रय व्यय कितना दिया है, औसत के दुगने, 2 से गुणा कर दोगे तो 20,000×2 गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, 40। क्लियर है क्वेश्चन 5th, जो हार्ड था क्वेश्चन, यहाँ पे समझ में नहीं आया उसको मैं क्लियर करा दिया हूँ, बाकी आप लोग उसको बना लेंगे। तो इस हिसाब से आपका औसत लाभ जिसे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर पांचवा कंप्लीट हो गया, क्लियर। कल मैं आप लोगों को एक और मेथड बताया था जिसमें आप लोग पढ़े थे पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि का क्वेश्चन नंबर कल 12वां मैं करवाया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 12वां करवाया था। तो पूंजीकरण विधि एक आप लोगों को बताया था, उसका मैं बोला था क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, आप लोग ट्राई करेंगे उसके बाद मुझे फीडबैक भेजेंगे तो मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन डाउट निकलेंगे उसको मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक। अब आता है औसत लाभ विधि में एक और मेथड होता है, ठीक। औसत लाभ विधि में क्या होता है, एक और मेथड होता है, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं, एक फॉर्मूला और बता देता हूं। जैसे हम लोग कल पढ़ेंगे ख्याति में 4 मेथड इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट था औसत लाभ विधि, इसके बाद दूसरा में क्या बताया था, अधिलाभ विधि, तीसरा में क्या बताया था, पूंजीकरण विधि, और चौथा बताया था वार्षिक, ये बताया था। तो औसत और अधिलाभ ये दोनों के फॉर्मूले मैंने कल लिखवाया, लेकिन औसत लाभ विधि में एक और मेथड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं भारित औसत लाभ विधि, इसको हम लोग आज में बताऊंगा। पूंजीकरण विधि के अधिलाभ विधि का क्वेश्चन तक करवाया था, औसत लाभ विधि का कंप्लीट करवा दिया, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा में थोड़ा सा जो डाउट था 10% समायोजन बोला था,
काम कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। पांचवा में कुछ समाजन बोला था कि पहले वर्ष के लाभ से दुगना, दूसरे वर्ष के लाभ का डेढ़ गुना, उससे भी आप लोग क्वेश्चन बना लिए। औसत लाभ विधि पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आता है अधिलाभ विधि से, एक क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद अधिलाभ विधि को यहीं पे ड्रॉप करिए और औसत लाभ विधि खत्म हुआ है। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट भारित औसत लाभ विधि है। तो भारित औसत लाभ विधि, इसमें फॉर्मूले हैं, उसको आप समझिए। तो भारित औसत लाभ विधि में एक फॉर्मूला होता है, ठीक। तो भारित औसत लाभ विधि आपको निकालना है, यहाँ पे अलग से लिख दिया हूँ, देख लीजिए। भारी औसत लाभ विधि, भारी औसत लाभ विधि में सबसे पहले आपको ख्याति निकालना है। तो ख्याति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ख्याति निकालने का फॉर्मूला होता है भारी औसत लाभ गुणा क्रय, ठीक। भारित औसत लाभ विधि का फॉर्मूला होता है भारित औसत लाभ इनटू क्रय दर। लेकिन भारित औसत लाभ कैसे निकालेंगे? तो भारित औसत लाभ का फॉर्मूला होता है भारित औसत लाभ, इसका फॉर्मूला होता है कुल उत्पादन, जिसको हम लोग गुणनफल भी बोलते हैं, बटे कुल भाग, ठीक है। क्या होता फॉर्मूला? भारी औसत लाभ का फॉर्मूला होता है कुल उत्पादन, जिसको हम लोग गुणनफल भी बोलते हैं, बटे कुल भाग। कुल गुणनफल कैसे निकालते हैं? वो सारणी के माध्यम से बनता है। कुल भार आपको क्वेश्चन में देगा, हर वर्ष का भार देगा, उस भार को जोड़ दोगे तो कुल भार आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ मिल गया, ख्याति के फॉर्मूला को कट कर दो, भारित औसत लाभ इनटू क्रय वर्ग को सॉल्व कर दो तो आपका क्या आ जाएगा भारित औसत लाभ से। क्लियर है फॉर्मूला? इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना, ठीक है। औसत लाभ पूरा खत्म कर दिया, कंप्लीट करवा दिया, ट्राई करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद भारी औसत लाभ है, इसके मैंने फॉर्मूले बताए, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, इसके आगे मैं कल कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।